हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके क्रेडिट में। मैं तो बताई पर फिर से आपका बहुत बड़ा वाला स्वागत करती हूँ। बहुत बड़ा वाला इसलिए क्योंकि आज है महिला दिवस और मेरा तहे दिल से तमाम महिलाओं को शुक्रिया, तमाम महिलाओं को सलाम, ओके क्रेडिट की तरफ से तमाम महिलाओं को सलाम जो किसी ना किसी तरीके से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी, अपने घर, अपने ऑफिस वर्क में दे रही हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हर महिला अपने आप में खूबसूरत होती है और वो खूबसूरती किसी भी तरीके की हो सकती है। वो खूबसूरती मन की है, वो खूबसूरती आपके घर के कामों की है, वो खूबसूरती किस तरह से आप घर और ऑफिस को मैनेज कर रही हैं उसमें है। तो अब ये तो चीज़ें पुरानी हो गई कि महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, महिलाएं अब किसी से कम नहीं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि महिलाएं बाकी ही किसी से कम नहीं है। तो आज हम लेके आए हैं एक ऐसा वीडियो जो बताएगा कि किस तरह से महिलाओं ने अपना एक मुकाम हासिल किया है इस सोसाइटी में। और क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, लेकिन इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में किस तरह से अपना स्थान बनाया है, किस तरह से कहीं ना कहीं हमने मेल्स को डोमिनेट किया है। तो देखिए ये पांच महिलाएं जो वाकई ही इंस्पिरेशन है सबके लिए। किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ सेल्फ मेड बिजनेस वुमन है। आज वो भारत की सबसे सफल और धनी बिजनेस वुमन में शुमार हैं। इनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में भी आ चुका है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा है। उन्होंने बायोकॉन नाम की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना 1978 में की थी। ये कंपनी दवा उत्पादन के क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। किरण मजूमदार शॉ को प्रमुख महिला दवा कारोबारी के रूप में पहचाना जाता है। इंग्लैंड की मशहूर पत्रिका द मेडिसिन मेकर ने दवा क्षेत्र की 100 हस्तियों की सूची में किरण को दूसरे नंबर पर रखा है। खास बात यह है कि पत्रिका ने भारत से सिर्फ किरण मजूमदार को इस सूची में जगह दी है। भारतीय कंपनी बायोकॉन लिमिटेड की CMD किरण मजूमदार शॉ दवा बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली हस्ती है, जो एंथनी फॉची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। सुनीता रेड्डी। सुनीता रेड्डी ने अपोलो हॉस्पिटल चेन की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल श्रृंखला है जिसका रेवेन्यू देश में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल की चेन को भारत में सबसे बड़ी चेन बनाने के पीछे सुनीता रेड्डी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सुनीता रेड्डी भी दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है। भारत की सबसे बड़ी अस्पताल श्रृंखला का सकल राजस्व वित्त वर्ष 2020 में 10,000 करोड़ रुपए रहा था। अपोलो फार्मेसी का बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस कंपनी ने कुछ समय पहले फोर्टिस हेल्थकेयर का भी अधिग्रहण किया। ये डील सुनीता रेड्डी ने ही की। रेड्डी द्वारा संचालित अपोलो हॉस्पिटल ने कोरोना के मरीजों के लिए शुरुआत में 2000 से अधिक बेड आवंटित किए थे, जिसमें 1000 ICU बेड थे। ये इसकी समग्र क्षमता का लगभग 15-20% है। 14 सितंबर 2020 तक उन्होंने 37,000 कोरोना के मरीजों का इलाज किया और 150,000 से अधिक टेस्ट किए। एलिस जी वैद्यन। एलिस जी वैद्यन जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं। इसके लिए मार्च 2019 में उन्हें CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। यही नहीं, फॉर्च्यून इंडिया ने 2019 में इन्हें मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में शामिल किया। मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने टैफी को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। ये US इंडिया बिजनेस काउंसिल के ग्लोबल बोर्ड में शामिल है। ये अमेरिका के AGCO कॉरपोरेशन और टाटा स्टील के बोर्ड में भी रह चुकी हैं। मल्लिका श्रीनिवासन को 2014 में पद्मश्री सम्मान एशिया की 50 पावरफुल बिजनेस वुमेन में शुमार, BBC एवं इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड आदि से नवाजा गया है। जरीन दारूवाला। जरीन दारूवाला भारत की प्रसिद्ध बैंकर है। बैंकिंग क्षेत्र में अपने 25 वर्ष के दौरान जरीन कॉरपोरेट बैंकिंग, परियोजना वित्त पोषण, ढांचागत वित्त पोषण, वित्तीय संस्थान, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग आदि का दायित्व संभाल चुकी हैं। 2018 में इन्होंने बैंकर्स की रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ICICI के ग्रामीण और एग्री फाइनेंस ऑफरिंग में भी काम कर चुकी हैं। जरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। साल 2016 में ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की CEO बनी। इसके पहले 2 दशक तक उन्होंने ICICI बैंक के साथ काम किया। इन्होंने सिर्फ 2 साल में ही ICICI बैंक को सबसे मुनाफा कमाने वाला बैंक बना दिया। उन्होंने अपने करियर में कई पुरस्कार हासिल किए और उन्हें फॉर्च्यून पत्रिका की 25 शक्तिशाली महिला कारोबारियों की सूची में भी स्थान दिया गया था। तो देखा, कोई भी क्षेत्र हो किसी से कम नहीं है महिलाएं। और मुझे लगता है कि आज का दिन अपने वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने का दिन है। वैसे 365 दिन महिलाओं पर डेडिकेटेड होते हैं क्योंकि महिलाएं
किसी भी दिन रुकती नहीं है। और जहाँ तक इमोशंस का सवाल है तो महिलाएं इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होती हैं, चाहे वो माँ के तौर पर ले लीजिए, पत्नी के तौर पर ले लीजिए, आप चाहे बहन के तौर पर ले लीजिए, रिश्तों को भी अच्छे से समझती हैं। तो महिला दिवस पर ओके क्रेडिट की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप अपने घर की किसी महिला को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हमें खुशी होगी। ओके क्रेडिट, आपके बिजनेस का सच्चा साथी।